हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चार से पांच सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपके चैनल को बूस्ट होने से, आपके चैनल को ग्रो होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो कौन से सेटिंग है जिनको ऑन करने के बाद आपका इंप्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आप कंपेयर करके देख लेना उन सेटिंग से पहले और उन सेटिंग के बाद कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है आपका इंप्रेशन। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर और कंप्लीट मैं आपको बता देता हूं। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्ट है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखना और जो जो टेक्निक्स मैं इसके अंदर लगाने वाला हूं आप उनको कंप्लीट फॉलो करना भाई, उन सेटिंग को तभी आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओगे। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की डिस्प्ले पर। स्वागत है आपका हमारे लैपटॉप के डिस्प्ले पर, और आज मैं आपको वे पांच सेटिंग बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका चैनल बूस्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका चैनल रनिंग में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई ऐसी वो क्या गलती कर रहे हो आप जो आपका चैनल रनिंग में, सर्च में और आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इस एक डिटेल पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी SEO वाली वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको सेटिंग दिखाने वाला हूँ मैंने क्या सेटिंग ऑन की हुई है। सबसे पहले आप यहाँ पर ऑडियंस पे आप जाइए, और ऑडियंस में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखिए दिस वीडियो इज सेट टू नॉट मेड फॉर किड, मतलब ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये दो सेटिंग बता देता हूँ आपको कौन सी सेटिंग इसमें नहीं करनी है। अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए है तो आप ये वाला ऑप्शंस ऑन करके यहाँ पर सेव कर दोगे, और अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए नहीं है तो आप नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एज रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर आप इसको एरो को क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके पास दो सेटिंग्स और मिल जाएंगी आपको। यस रिस्ट्रिक्ट माई वीडियोज टू व्यूवर्स ओवर 18, डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियोज टू व्यूवर्स ओवर 18 ओनली। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इन दो सेटिंग्स में आपको ये नीचे वाला कर लेना है, ठीक है। ये तो अब हमारी दो सेटिंग्स हो चुकी हैं। अभी मैं आपको कुछ और एडवांस सेटिंग्स बता देता हूँ आपको क्या क्या सेटिंग्स अपने वीडियो में करनी है जो आपकी वीडियोस भी रैंक में आएँ, आपकी वीडियो भी चलें। आप इस वीडियो को मेरे देख सकते हैं, ये मेरी बहुत अच्छी वीडियो है, मैंने SEO के ऊपर ये वीडियो बनाई थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी सेटिंग्स पर। सेटिंग में आने के बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस तरह के इंटरफेस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड डिफॉल्ट्स, अपलोड डिफॉल्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स यूट्यूब लाइसेंस क्रिएट कॉमन्स इस एट्रीब्यूट। ये मैंने आपको इसके बारे में बताया था शायद पहले भी, और एक बार अभी और बता देता हूँ मैं इसको क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूट्स क्यों रखता हूँ। क्योंकि अगर जो हम अपनी वीडियोस के अंदर कुछ यूट्यूब से कोई 10 से 5 सेकंड का क्लिप्स यूज़ कर लेते हैं, या हम गूगल पे कोई इमेज यूज़ करते हैं, तो भाई उस पे कोई कॉपीराइट नहीं आता। अब मैं आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन, मतलब आपकी वीडियोस किस लैंग्वेज में है। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि आपकी वीडियो हिंदी लैंग्वेज में है और आपने यहाँ से कुछ और सेलेक्ट किया हुआ है। तो भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप यहाँ से कुछ और सेलेक्ट कर लेते हो बाय डिफ़ॉल्ट या सेलेक्ट हो जाता है, आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो या आपको पता हो, ठीक है, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो ये आपकी जो इम्प्रेशंस है वही उन्हीं लोगों के पास भेजेगा जो हिंदी ऑडियंस है आपकी, जो हिंदी को देखना और समझ सकती है। इस वजह से यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ और यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हो तो भाई आपका जो इम्प्रेशन है उन लोगों के पास ही जाएगा जो इंग्लिश में वीडियोस देखते हैं। और भाई इसलिए इसी वजह से यही वे सेटिंग्स हैं जिनकी वजह से इम्प्रेशंस नहीं आते, इम्प्रेशंस कहीं और जाते हैं जो लोग उस वीडियो को देखना पसंद नहीं करते या इंटरेस्ट नहीं रखते। इस वजह से ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बहुत सारे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी, कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल्म एंड एनिमेशंस, ऑटोज एंड व्हीकल्स एंड म्यूजिक, पेट्स, एनिमल, स्पोर्ट्स, ट्रैवल्स, गेमिंग, पीपल्स, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ एंड ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ से आप वही कैटेगरी चूज़ करोगे जो आपकी कैटेगरी है, मतलब आपकी अगर जो एंटरटेनमेंट की है तो भाई आप एंटरटेनमेंट पर ही क्लिक करोगे, तभी आपको इम्प्रेशंस जाएंगे, तभी आपको
उन लोगों के पास इंप्रेशन जाएगा, ठीक है, जो एंटरटेनमेंट्स की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और अगर आप वीडियो आपकी एंटरटेनमेंट की है और आपने यहाँ पर डाल दिया स्पोर्ट्स, तो भाई आपका स्पोर्ट्स वालों के पास आपका इंप्रेशन जाएगा, उनके पास आपका नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स वाले एंटरटेनमेंट को नहीं देखेंगे, तो भाई इस वजह से डिसमैच हो जाएगा ये, और इम्प्रेशंस नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, आप परेशान हो जाओगे। या फिर आपने पेट्स एंड एनिमल्स का कैटेगरी पे आपका चैनल है और आप वहाँ एंटरटेनमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, तो भाई बड़ी मिस्टेक हो जाएगी ये। तो इस वजह से आप, जैसे मेरा टेक्निकल चैनल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो भाई मैं आप यही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट हो गई, उसके बाद कैप्शन सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे दिस कॉन्टेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन इन अस US, तो इस पे ये क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ ऑल द कमेंट्स, अगर आप अपनी कमेंट्स बंद करना चाहते हो, विजिबिलिटी उसकी रखना चाहते हो, तो भाई इसको अलाउ कर दो, नहीं रखना चाहते हो तो भाई इसको डिसेबल कमेंट्स कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, तो भाई ये मैंने आप तो वो मैंने सारी सेटिंग्स सेव कर दी हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये कुछ बेसिक्स और एडवांस सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर अभी तक ये सेटिंग्स ऑन नहीं की हैं, तो भाई प्लीज़ ऑन कर लेना, और अगर जो आपने ऑलरेडी ऑन की हुई है तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि मैं मिस्टेक कर रहा था कुछ, वो मैंने अभी समझा है और मैंने आपको भी बताया कि भाई ये गलती मत करना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।